टू माई यूट्यूब चैनल, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। एंड सॉरी फॉर द लेट व्लॉग, होली का व्लॉग आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, आप लोग व्लॉग को इंजॉय करना। थोड़ा सा हम लेट हो गए बट कोई नहीं गाइज। अभी हम लोग बच्चों को लेके जा रहे थे अपना शॉप और भाई का शॉप, और यहाँ पे बच्चों ने कुछ मम्मी का स्पेशल क्लिप रिकॉर्ड किया है, तो आप लोग ज़रूर देखना, ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना। मेरी मम्मी ने जो मेहनत किया है ना गाइस, आज हम लोग जहाँ भी हैं मम्मी के मेहनत के वजह से है। उन्होंने मतलब बहुत टफ सिचुएशन देखा, और हमारे पेरेंट्स ने जो प्रॉब्लम्स फेस करी है अब तो हम लोग कर भी नहीं रहे। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपनी मम्मी अपने पापा से कि मम्मा ने इतना मेहनत करके हमको इस काबिल बनाया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम लोग मंजा सब कुछ पूरा कर पाते हैं। और मैं इसको दिखा रही थी कि देखो मार्केट का हमारा घर है, पीछे पूरा रेंट दिया हुआ है, और ये हमारा शॉप, और ये शॉप अभी रिसेंटली न्यू रेनोवेट हुआ है, इससे पहले पुराना ही था। और पीछे मैं बता रही थी श्रेया को कि पीछे हमारा घर भी था। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह का क्लिप्स बच्चों ने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो अभी आप लोग सुनना। वो मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया, कुछ एडिट वगैरह नहीं किया है। एंड गाइस हमारी फैमिली भी बड़ी थी उस समय, दादी दादू तो नहीं थे, हाँ मेरी बुआ लोग। तो इतने सारे फैमिली का खर्च चलाना बहुत टफ सिचुएशन होगा एक शॉप से। तो पापा ने भी बहुत मेहनत की और मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ क्वालिटीज़ है जो कि मैंने मम्मी से ली हुई है। मुझे भी मतलब प्रॉब्लम फेस करना आता है, मैं जल्दी कोई चीज़ से घबराती नहीं हूँ, ना ही मतलब लो हो जाती हूँ, मजबूत रखती हूँ, होना भी चाहिए। और यहाँ पे श्रेया कुछ अपने लिए गिफ्ट ले जा रही थी, ग्रेसी ने भी बहुत कुछ लिया, वो सब आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, फिर से एक बार बोलती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। एंड गाइस चैनल पे नए हो, वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ गिव अ सब्सक्राइब। और यहाँ पे मम्मी आ रही है, अभी आप लोग सुनना इनकी मस्ती। इतना अच्छा मैं भी शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मैं जल्दी मम्मी के सामने कैमरा लाती ही नहीं, फिर हमारी कुछ और ही बातें होती रहती है। बाकी व्लॉग को आप लोग इंजॉय करो, इसमें वीडियोस है होली के, और होली का आने वाला है नेक्स्ट डे, बहुत धमाल। मतलब मुझे याद नहीं इस तरह से होली लास्ट मैंने कब खेला था, कैसे बनता नहीं है, कैसे छोटा छोटा पैक होता है, बनता है तो फैक्ट्री में। ओ अच्छा, पैक कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा कैसे कैसे पैक होता है अभी आप लोगों को पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ब्लॉगिंग चल रहा है अभी, दिखाई गाइस हमारी नानी बहुत टैलेंटेड है, उनको सब बनाने आता है। हमको उस समय में थे तो हमको कपड़ा सीना उना हर काम हमको आता है, कौन ऐसा काम हम नहीं जानते। मिर्ची पाउडर जैसा लगता है। हम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं कि हाँ। हम लोग का एक विषय अलग से था, तो अलग से हम लोग को सिलाई बुनाई, जैसे इमरजेंसी में किसी का गरीबे घर में शादी हो गया तो ठोंगा बनाना, झाड़ू बनाना, बहुत सारा काम हम लोग को सिखाया था। अच्छा अब तू भी सीख के आएगी, मतलब वो वाला स्टाइल से बोलो, खाए तो अच्छा लगा होगा। देखिए हम कल है मटका।
मटका फोड़ने का दिन, नन्नू मटका फोड़ेगा, थोड़ा सा दो तीन पीस अभी मामी बनाइए माँ से। बूटे को छोला खाने सांदे को माँ से। तो आप तभी तो यही शेड सिंहासन में हैं, का किए नहीं जा, हमको कहा बोले थे तू तो भोला को लाया नहीं था, इतना क्यों खाते हो? अच्छा बोल देते हैं भोला को, मैसेज कर देते हैं। तो क्यों सूखा नहीं बनाई? तो सूखा रखना चाहिए था ना, आप यही खाए, आप और सूखा खाए, आप यही सूखा खाए थे। टेस्ट करते हैं कैसा है ये, इसके मायके से आया है। खा लो मासो भी बात हो बने का ले कॉन्फिडेंट नहीं इसलिए लोग शर्माता है। ये है चावल का पुआ, ये है आटा का मैदा का पुआ और ये है मैदा का पुआ। मम्मी बनाई है दही वड़ा सब्जी। तुम क्या बनाई हो? तुम अरे मासू बनेगा और गंगा का हाथ का मम्मी का हाथ का खाएंगे। तू कहा था दब हो गए थे भूसा सा खाल सीम खाल सीम में तो बढ़िया बन रहा है, तेल कम गए सब अच्छा ना मतलब वो सब कोबी आलू अच्छा ना रहे, कोबी आलू सोयाबीन अच्छा रहे, सोयाबीन तुम बनाए सोयाबीन अच्छा सब अच्छा रहा है। वो भी तो सब हमारे खेले वाला सब चावल था पतला भी पिसाल बा और मोटा रहती है इसीलिए सन भेल बा मोटा तो अनरसा से सोसेल रोटी जैसे टेस्टी लग रहा। पी होली 10 रुपए क्या करेगा? हां पैसा पैसा दिखाओ, पैसा दिखाओ, क्या करेगा बदमाश, क्या करेगा? कट्टू कौन पे रहता बाबू तुमको सुबह बड़ा बड़ा ये कोई चीज छोटा ना बने, इतनी इतनी गोदी कब तक इतना बनाए के रहना दो दो तीन दिन अरे कितना बनता है उसे। तू बाहर गमला नहीं के रख ले वहाँ पे अल्मोनियम के भर के दही वाड़ा बने ला में जो अल्मोनियम के 5 किलो के बात हो रहा भर के दही वाड़ा बने 3 किलो 4 किलो ये तो अब तू ये बोले इतनी 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 में तू इतने में घर दे लेना वो तो एक तो 5-6 दही वाड़ा बने ला 5 एक दाल में ना 10 या 7 गो 8 गो इतना पीस बड़ा बड़ा तब वो काटने से ना रसगुल्ला से हम चप चप करता है खा रहे हम लोग। रुको 2 मिनट पर ठीक है। और दूसरा है कि क्या बोल रहे थे दादी को हैप्पी होली बोल दो वहाँ पे बैठ के देखेगी बुआ इधर 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 हैप्पी होली तुम भी बोलो नीलू बुआ देखा हैप्पी होली सबको हम लोग मिस करें पुआ का तारीफ हो रहा है माँ का पर ये भी अच्छा बना है सब ये नेपाल का पुआ वो बंगाल का पुआ कौन सा के तू सिखाओ अब इतना उम्र में सीखने किस पापा ऊपर रोहन के बनाए मासू बना के रख देते हैं।
चलो 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 नहाना तो पड़ेगा। हम लोग प्लान्स कैंसिल हो गया गाइस, बर्फ खाने ही निकले थे हम लोग तो। पर्पल कोई को बैगन बना रहा है भाई। यहाँ पे देखो डेकोरेशन और ये ऑर्गेनिक कलर। इसको तो कैसे लगाएगा, लंबा कर। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला है मामा, मम्मी इतनी साफ क्यों है, उनको कोई आपका कोई बोलने से ही सब कुछ सुनने लग जाएगा। सुबह से यही बोल रहे हैं ना आईलैशेस। अभी नहीं हन्नू, और फोन अरे मेरा। ये मम्मी नकली बाल लगाई है, ये मेरा असली बाल है। अब इतना रेडी क्यों है, वीडियो बनाने के लिए इतनी दूर रेडी? बोली फक फेस बुलाने रेडी हो, मैं भी रेडी हो, मैं भी रेडी हो। ले हम नेपाली रील गीत में रील बनाने ला, कुछ आने आया। ओके ओके रील बनाएंगे। अभी यहां पे देख सकते हैं नीचे कलर कलर हो चुका है। मेरे पास फोन है, मेरे सामने कोई नहीं आएगा। देखो 2000-3000 का रेवलॉन का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएगा, और ये 15 रुपया का, 10 रुपया का। कम से कम लगाओ, ऑर्गेनिक लगाओ यार, 2000-4000 का कॉम्पैक्ट लगाने वाला। ये देखो सही में मुझे भी फील हो रहा है कि सॉफ्ट है। हम लोग क्रीम में इतना खर्च कर देते हैं और घटिया कलर से हम लोग फिर अपना स्किन को खराब करते हैं। तो अब से हम लोग ऑर्गेनिक कलर यूज करेंगे। तो अब से हम ये ऑर्गेनिक पैकेट, नो केमिकल, देखो ना नो केमिकल कलर, ओनली ऑर्गेनिक कलर। इज्जत चला गया उसका तो। अब ये यहाँ पे चल रहा है, इसको रील में बड़ा अच्छा लगेगा। इधर आओ हनु, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। आंटी का तबियत खराब है। हाँ ओ मैं चश्मा पहनी क्यों नहीं, होली में मिला था चश्मा तुम लोग को, चश्मा पहनना चाहिए ना। दो फोटो की बोमजी ना फोटो का।
भोजपुरी गाना अभी गुंजू के साथ प्रचार करने का मस्त है ना। जैसा लगा।